विपक्षी नेता ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन छोड़कर भाग गए हैं और वो पोलैंड में अमेरिकी दूतावास में छिपे हुए हैं। एक दिन पहले रूस की मीडिया ने भी ऐसा ही कुछ दावा किया था। और अब फिर राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के देश छोड़ने की खबर आई। यूक्रेन के विपक्षी नेता और रूसी मीडिया ने दावा किया कि ज़ेलेंस्की पोलैंड के अमेरिकी दूतावास में छिपे हैं। ये दूतावास यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 780 किलोमीटर दूर पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में है। दावा तो ये भी है कि वो अब पूरी तरह अमेरिका की सुरक्षा में है। कुछ दिन पहले अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को एयरलिफ्ट करने का प्रस्ताव भी दिया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। लेकिन ज़ेलेंस्की के देश से भाग जाने की खबर ऐसे वक्त में आई है जब वहां की राजधानी कीव से महज 13 किलोमीटर की दूरी पर रूस के फौजियों का काफिला राजधानी पर कब्जे के लिए खड़ा है और रूस की मिसाइलें एक के बाद एक कई शहरों पर कहर बनकर टूट रही हैं। हालांकि इन खबरों के बीच ज़ेलेंस्की सामने आए वीडियो लिंक के जरिए यूरोप के देशों से मदद की अपील की। इसके साथ ही यूक्रेन ने विपक्षी नेता और रूस के ज़ेलेंस्की के देश छोड़ने के दावों को झूठा करार दिया। यही नहीं, यूक्रेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कह दिया है कि ज़ेलेंस्की कीव में ही मौजूद है और वो भी ऐसे बंकर में जहां रूस के परमाणु हमले का भी कोई असर नहीं होगा। इससे पहले भी ज़ेलेंस्की के देश छोड़कर भागने की रिपोर्ट सामने आई थी, जिसे उन्होंने खुद खारिज किया था। यूक्रेन पर हो रहे रूस के हमलों का एक और वीडियो